हिमलैंड्स में अब मर चुका है ड्रीम बॉय भी। ये हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि हीरो ब्राइन होते हुए और प्रोटेक्शन 25 का आर्मर होते हुए भी कोई मर सकता है। ड्रीम बॉय के मरने के बाद ड्रीम बॉय की स्क्रीन पर कोई और ही लैंग्वेज और उसमें जो लिखा हुआ था उसको ट्रांसलेट करने के बाद पता चला कि ड्रीम बॉय अब स्पॉन होगा किसी ब्लडी वर्ल्ड में, और इसी को हिंदी में पढ़े तो होता है खूनी दुनिया। और आज की हमारी इस वाली वीडियो का टॉपिक भी यही है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एक्चुअली ड्रीम बॉय स्पॉन होगा कहाँ पे। ये सब जानने के लिए तुम्हें वीडियो को तो एंड तक देखना ही होगा, और अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तुम लोग यार आजकल कर देते हो सब्सक्राइब, तो जब भी नहीं करा तो कर देना। तो देखो, जब स्मार्टी भाई मरे थे तो उनकी स्क्रीन पे सीधा सीधा लिखा आ रखा था कि रिस्पॉन इन अनदर वर्ल्ड। तो इससे हमें ये तो पता चल ही गया था कि स्मार्टी भाई किसी और ही वर्ल्ड में स्पॉन होने वाले हैं। फिर स्मार्टी भाई स्पॉन हुए थे फार लैंड्स में, और ये हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि स्मार्टी भाई फार लैंड्स में स्पॉन हो सकते हैं। और ड्रीम बॉय की स्क्रीन पे लिखा आ रहा है स्पॉन इन ब्लडी वर्ल्ड। तो अब ब्लडी वर्ल्ड से तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, वो है हमारा डार्क हिमलैंड। ब्लडी वर्ल्ड से तो डार्क हिमलैंड लगता है, पर डार्क हिमलैंड में बिल्कुल भी मेरे को नहीं लगता कि स्पॉन होगा ड्रीम बॉय, क्योंकि डार्क हिमलैंड से हम नॉर्मल हिमलैंड में इजीली आ सकते हैं, वो तुमको भी पता है और मेरे को भी पता है। तो मैं गया गूगल पर, सर्च कर दिया मैंने ब्लडी वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट, और उसके बाद देखो मेरे सामने क्या चीज आई। तुम्हें क्या लगता है ड्रीम बॉय इस जगह पे स्पॉन होगा जिधर ये जिधर पूरा लेक जो है पूरा रेड कलर का, मतलब पूरा ब्लड से बना हुआ, क्या लगता है तुम्हें इस जगह पे स्पॉन होगा ड्रीम बॉय? तो गूगल पे मेरे को काफी सारे फोटोज मिले जिनमें जो बारिश थी वो भी पूरे ब्लड से हो रही थी, और कुछ ऐसे फोटो भी थे जिसमें जो पूरा लेक था और पूरा समुद्र था वो पूरा ब्लड से बना हुआ था। तुम्हें क्या लगता है ड्रीम बॉय कुछ ऐसी जगह पे स्पॉन होगा क्या? वो तो अब हमें ड्रीम बॉय की वीडियो में ही पता चलेगा। अब देखते कहाँ पे स्पॉन होता है ड्रीम बॉय। वीडियो में अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं कर रहा था तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।